तो आज इस वीडियो में हम द इम्पब्लिकेशन की बुक रिमाइंडर सामान्य ज्ञान से फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो एग्जाम देने से पहले इस बुक के सारे क्वेश्चन जरूर देख लें। यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। यकीन करिए, वीडियो देखने के बाद आपका फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, हमसे जितनी भी हेल्प हो सकेगी हम आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं से। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। होरोलॉजी, होरोलॉजी कहलाता है यांत्रिकी एवं काल का अध्ययन। जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स कहलाता है भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। बायोफिजिक्स कहलाता है जीव तंत्रों के भौतिकीय पक्षों का अध्ययन। बायोफिजिक्स कहलाता है जीव तंत्रों के भौतिकीय पक्षों का अध्ययन। क्रिप्टोग्राफी कहलाता है गूढ़ लेखन या फिर बीज लेखन संबंधी विज्ञान। एपिग्राफी कहलाता है शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। एपिग्राफी कहलाता है शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। मेटालॉजी कहलाता है दोस्तों धातु का अध्ययन। मेटालॉजी कहलाता है धातु का अध्ययन। सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। एकॉस्टिक्स कहलाता है दोस्तों ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। एकॉस्टिक्स कहलाता है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन। बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स कहलाता है अति निम्न ताप का अध्ययन। ऑप्टिक्स कहलाता है प्रकाश का अध्ययन। फोटोसोनिक्स कहलाता है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। आइकोनोग्राफी कहलाता है मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन। आइकोनोग्राफी कहलाता है मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन। ग्राफोलॉजी कहलाता है हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन। एरोनॉटिक्स कहलाता है वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन। लैक्सिकोग्राफी कहलाता है शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन। लैक्सिकोग्राफी कहलाता है शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन कहलाता है। सेलिनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन। सेलिनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यांत्रिकी। चलिए दोस्तों यांत्रिकी से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब लागू की गई थी? तो 1967 ईस्वी में लागू की गई थी। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI 1967 ईस्वी में लागू की गई थी। SI के मूल मात्रक की संख्या है तो 7 है। SI के मूल मात्रक की संख्या 7 है। विज्ञान के मूल मात्रक के रूप में कौन सा इकाई का प्रयोग होता है? तो SI इकाई का प्रयोग होता है। विज्ञान के मूल मात्रक के रूप में SI इकाई का प्रयोग होता है। SI पद्धति में वेग का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड है। याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड है वेग का मात्रक। त्वरण का SI मात्रक है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। SI पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर या फिर जूल है। कार्य का मात्रक SI पद्धति में न्यूटन मीटर या फिर जूल है। बल का SI मात्रक है दोस्तों न्यूटन, याद रखिएगा न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। SI प्रणाली में दाब का मात्रक है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। SI प्रणाली में दाब का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। पृष्ठ तनाव का मात्रक है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का है, न्यूटन पर मीटर, याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर। एम्पियर का मात्रक है विद्युत धारा, याद रखिएगा विद्युत धारा है एम्पियर का मात्रक। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। SI प्रणाली में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। SI प्रणाली में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। यंग प्रत्यस्था गुणांक का SI मात्रक है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यंग प्रत्यस्था गुणांक का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों जूल, ऊर्जा का मात्रक है जूल। तरंग दैर्ध्य का मात्रक है दोस्तों एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। आवेश का मात्रक है तो कूलम्ब है आवेश का मात्रक। पदार्थ की मात्रा का इकाई है तो मोल है, पदार्थ की मात्रा का इकाई है मोल। विद्युत विभव का SI मात्रक है तो वोल्ट है, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट है। प्रतिरोध का SI प्रणाली में मात्रक है तो ओम है, प्रतिरोध का SI प्रणाली में मात्रक है तो ओम है। विद्युत वाहक बल का मात्रक है तो वोल्ट है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है। शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो जूल पर सेकेंड है, शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकेंड है। विभवांतर की SI इकाई है तो वोल्ट या फिर वाट या एम्पियर है, विभवांतर की SI इकाई वोल्ट या फिर वोल्ट बटे एम्पियर है।
विद्युत धारा नापने की इकाई है तो एम्पियर है, विद्युत धारा नापने की इकाई एम्पियर है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। पारसेक इकाई है तो दूरी की इकाई है पारसेक। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है तो डेसिबल है ध्वनि की प्रबलता की इकाई। शक्ति की इकाई है तो अश्व शक्ति है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है क्यूरी की इकाई का नाम। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है तो कैलोरी में मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है तो कैलोरी में मापा जाता है। टी पर पावर माइनस वन विमा है तो आवृत्ति एवं कोणीय वेग का है। टी पर पावर माइनस वन विमा है तो आवृत्ति एवं कोणीय वेग का है। बल कौन सा राशि है तो सदिश राशि है। बल कौन सा राशि है तो सदिश राशि है। संवेग राशि है तो सदिश राशि है संवेग। वेग राशि है तो सदिश राशि है वेग। ऊर्जा कौन सी राशि है तो अदिश राशि है वेग ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि है। बल आघूर्ण कौन सा राशि है तो असदिश राशि है। बल आघूर्ण सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। कोणीय संवेग कौन सी राशि है तो सदिश राशि है। कार्य राशि है तो अदिश राशि है कार्य। शक्ति कौन सी राशि है तो अदिश राशि है शक्ति। विद्युत धारा राशि है तो अदिश राशि है विद्युत धारा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों की व्याख्या की है तो प्रिंसिपिया में की है। याद रखिएगा प्रिंसिपिया में न्यूटन ने गति संबंधी नियमों की व्याख्या की है। जड़त्व का नियम कहते हैं तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन का दर कहलाता है तो त्वरण कहलाता है। बल एवं समय का गुणनफल है तो आवेग है। बल एवं समय का गुणनफल, बल एवं समय का गुणनफल आवेग है। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग परिवर्तन को कहते हैं तो आवेग कहते हैं संवेग परिवर्तन को। जड़त्व आघूर्ण का समीकरण है तो I=mr² है। I=mr² है जड़त्व आघूर्ण का समीकरण। कोणीय वेग के लिए समीकरण है तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी है। कोणीय वेग के लिए समीकरण है तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी है। कोणीय वेग एवं जड़त्व तो आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं तो कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय वेग एवं जड़त्व तो आघूर्ण के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र है तो 2u sin θ / g है। टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र उड़न काल का सूत्र है 2u sin θ / g है। 2u sin θ / g है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होता है तो बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है तो बल का परिभाषा प्राप्त होता है। जड़त्व का संख्यात्मक मान है तो द्रव्यमान है। जड़त्व का संख्यात्मक मान द्रव्यमान है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था तो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को। न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी पीछे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन है तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन है। किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति के से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को कहते हैं तो जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को जड़त्व कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर होता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर होता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके तो 45 डिग्री कोण पर फेंकें ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तय कर सके तो अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तय करने के लिए गेंद को 90 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा। कौन गेंद को 90 डिग्री कोण पर फेंकने से अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई तय कर सकेगी गेंद। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों के समान दूरी तय करती है तो औसत चाल होती है। तो औसत चाल बराबर हो जाती है 2v1v2 / v1+v2। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती हो तो औसत चाल हो जाती है। तो औसत चाल बराबर v1+v2/2 हो जाती है। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती हो तो औसत चाल बराबर हो जाता है दोस्तों v1+v2/2।
घर्षण गुणांक के लिए समीकरण है तो म्यू बराबर एफ अपॉन आर है। घर्षण गुणांक के लिए समीकरण है तो म्यू बराबर एफ अपॉन आर है। घर्षण गुणांक का मात्रक है तो इसका मात्रक नहीं होता है। घर्षण गुणांक का मात्रक है तो इसका मात्रक नहीं होता है। सबसे बड़ा घर्षण बल है तो चरम घर्षण बल सबसे बड़ा घर्षण बल है। दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण है तो घर्षण की कमी है। दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण है तो घर्षण की कमी है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या प्राप्त होता है तो बल का माप प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल की माप प्राप्त होती है। कोणीय वेग का मात्रक है तो रेडियन पर सेकेंड है। कोणीय वेग का मात्रक है तो रेडियन पर सेकेंड है। बल का गुणनफल है तो द्रव्यमान गुणे त्वरण है। बल का गुणनफल है तो द्रव्यमान गुणे त्वरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है तो यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है। किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम न्यूटन का प्रथम गति नियम है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है तो आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाते हैं तो जड़त्व के कारण गिर जाते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की संभावना का कारण होता है तो विश्राम जड़त्व होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की संभावना का कारण विश्राम जड़त्व होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होता है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है तो गति ऊर्जा का अभिव्यंजक है 1/2 mv² 1/2 mv² है गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक। स्थितिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है तो mgh है। स्थितिज ऊर्जा का अभिव्यंजक mgh है। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो 16 गुनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की गति 2 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की गति 2 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। चाभी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चाभी भरी घड़ी में विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कौन से उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है तो डायनेमो करता है। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है तो डायनेमो करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउडस्पीकर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है लाउडस्पीकर। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है तो प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है तो विद्युत बल्ब करता है। याद रखिएगा, विद्युत बल्ब करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। विद्युत सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है तो सितार करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार रूपांतरित करता है।
एक वस्तु उदासीन व साम्यावस्था में है, उसे हिलाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो शून्य हो जाएगी। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। ऊर्जा का रूपांतरण करने वाला उपकरण, चलिए देख लेते हैं, उपकरण है फिर ऊर्जा रूपांतरण है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब करता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल रूपांतरित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल रूपांतरित करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर रूपांतरित करता है वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल रूपांतरित करता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट रूपांतरित करता है वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती रूपांतरित करती है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। इंजन रूपांतरित करता है तो ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में। सितार रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो एक चौथाई रह जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ होगा W अपॉन P होगा। यदि भार W तथा प्रयास P तो हो तो यांत्रिक लाभ W अपॉन P होगा। आभास क्या है? तो आभास वह बल है जो लीवर पर लगता है। टैकोमीटर यंत्र से नापा जाता है तो घूमने की गति नापा जाता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? 81.5 गुना अधिक है। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग चार गुनी अधिक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग का समीकरण है तो अंडर रूट 2g r है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ जाती है तो आदमी का आभासी भार वास्तविक भार से बढ़ जाता है, क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है तो भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो 24 घंटे में लगाता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 24 घंटे में लगाता है। विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर गति के नियम प्रतिपादित करने वाले थे तो केपलर थे। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है तो करीब 28 दिन का समय लगता है। किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण गुरुत्वाकर्षण है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह थर्मोस्फीयर में स्थापित होते हैं। नेक्स्ट है,
जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार शून्य होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार शून्य होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में होता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह की कक्षीय वेग निर्भर करता है तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। दो गेंद जिनका भार अलग अलग है एक चोटी से गिराई जाती है तब दोनों एक साथ पहुंचेंगी। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसीलिए पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। वायुमंडलीय दाब की पहली गणना किसने की थी? तो वॉन ग्यूरिक ने की थी। वायुमंडल दाब की पहली बार गणना वॉन ग्यूरिक ने की थी। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होती है? तो एक के बराबर होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो बैरोमीटर में से नापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। एक सेंटीमीटर पैरा दाब होता है तो 1.33 × 10³ होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर होगा। दूध का घनत्व किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घट जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक अधिक होने के कारण। परम दाब है तो एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज थोड़ा ऊपर उड़ जाती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है तो पास्कल का नियम है। सापेक्षित आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। वायुमंडल में किस कारण बादल तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल तैरते हैं वायुमंडल में। बांध के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती हो रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है।
बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर क्यों उबलता है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण उबलता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। समतल के अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब घटता है। उड़ान से के पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ गुब्बारा वायु पे ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। बर्फ़ का घनत्व होता है तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी पर तैरती वस्तु की का आभासी भार होता है तो शून्य होता है। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण संभव है। बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होता है तथा अल्कोहल से भारी होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है तो पृष्ठ तनाव है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने के कारण द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है तो पृष्ठ तनाव होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है तो अवतल होता है। पानी में किरासिन का तेल छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने का होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। किस कारण पानी कांच को भिगोता है? तो असंजक बल के कारण पानी कांच को भिगोता है। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल बराबर ऊपर चढ़ता है तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। लालटेन की बत्ती में तेल मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है तो केशिकत्व के कारण चढ़ता रहता है। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत है तो पृष्ठ तनाव है। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसका बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं।
श्यानता गुणांक का बीमा है तो श्यानता गुणांक का बीमा है दोस्तों ML पर पावर -1 और T पर पावर -1। श्यानता गुणांक का बीमा है तो ML पर पावर -1, T पर पावर -1। श्यानता गुणांक का मात्रक है तो पॉइंट याद रखिएगा पॉइज है। श्यानता गुणांक का मात्रक है तो पॉइज है। स्टॉक का सूत्र होता है तो F बराबर 6πNRV होता है। स्टॉक का सूत्र होता है तो F बराबर 6πNRV होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है तो शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। बीस डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता होती है तो 1×10⁻³ पास्कल होती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता 1×10⁻³ पास्कल होती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरीन की श्यानता होती है तो 14.1 पास्कल होती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरीन की श्यानता होती है तो 14.1 पास्कल होती है। सामान्य जल का पृष्ठ तनाव होता है तो 73 डाइन पर सेंटीमीटर होता है। वायु की श्यानता पानी की श्यानता से होती है तो कम होती है। गाढ़े द्रव में श्यानता अपेक्षाकृत होती है तो अधिक होती है। तरल के प्रवाह को दर मापा जाता है तो बेचूरी मीटर से मापा जाता है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है इसलिए ठंड देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। पानी का घनत्व महत्तम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है पानी का घनत्व। हुक का सिद्धांत संबंधित है तो प्रत्यस्था से संबंधित है। प्रतिबल का मात्रक होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यंग प्रत्यस्था गुणांक का बीमा होता है तो ML पर पावर -1, T पर पावर 2। यंग प्रत्यस्था गुणांक का बीमा होता है तो ML पर पावर -1 और T पर पावर 2 होता है। सर्वाधिक प्रत्यस्था होती है तो स्टील की होती है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकंड का होता है। एक दोलन पूरा करने में समय लगा समय कहलाता है तो आवर्तकाल कहलाता है। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है कहलाती है तो आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है तो हर्ट्ज होता है। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल निर्भर करता है तो बल नियतांक पर निर्भर करता है। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है तो शून्य होता है। झूला झूलता हुए व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। यदि खोखले गोलक में पारा भरा हुआ इसमें से आधा पारा को निकाल दिया जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। एक दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है तो चरमावस्था पर अधिकतम होती है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल हो जाएगा तो अंडर रूट दो गुणा बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, तरंग वेव से बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति होती है तो वस्तुओं के कंपन से होती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को कहा जाता है तो तरंग कहा जाता है। जो तरंगे सुनने की संवेदना उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं ध्वनि कहलाती हैं। ध्वनि किसका एक रूप है तो ऊर्जा का एक रूप है ध्वनि। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती तो निर्वात अर्थात शून्य
सुनने में गमन नहीं कर सकती ध्वनि। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं तो अनुदैर्ध्य होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं तो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। आवृत्ति का एसआई मात्रक है तो हर्ज है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज है। एक हर्ट्ज बराबर होता है तो एक कंपन पर सेकंड होता है। एक हर्ट्ज बराबर एक कंपन पर सेकंड होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक है तो मीटर एंगस्ट्रम है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर एंगस्ट्रम है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है तो 10^-10 होता मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10^-10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर होता है। ध्वनि का वायु में वेग होता है तो ध्वनि में वायु का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वायु में वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का हाइड्रोजन में वेग होता है तो 1269 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का हाइड्रोजन में वेग 1269 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में वेग होता है तो 269 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड में वेग 269 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का भाप 100 डिग्री सेल्सियस में वेग होता है तो 405 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का भाप में यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में वेग होता है तो 405 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का अल्कोहल में वेग होता है तो 1260 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का अल्कोहल में वेग 1260 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का लोहा में वेग होता है तो 5130 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का लोहा में वेग 5130 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का जल में वेग होता है तो 1483 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का जल में वेग 1483 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि समुद्र जल में ध्वनि का वेग होता है तो 1533 मीटर पर सेकंड होता है। समुद्र जल में ध्वनि का वेग 1533 मीटर पर सेकंड होता है। पारा में ध्वनि का वेग 1450 मीटर पर सेकंड होता है। पारा में ध्वनि का वेग 1450 मीटर पर सेकंड होता है। कांच में ध्वनि का वेग होता है 5640 मीटर पर सेकंड। कांच में ध्वनि का वेग 5640 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि तरंगे होती हैं तो प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं तो परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है तो इस्पात में, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। 3000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की आवृत्ति होगी तो 1×10^15 हर्ट्ज होगी। 3000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की आवृत्ति होगी तो 1×10^15 हर्ट्ज होगी। श्रव्य तरंग के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है तो मॉडुलन कहा जाता है। श्रव्य तरंग के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को मॉडुलन कहा जाता है। यदि मैक संख्या एक से अधिक है तो पिंड की चाल कहलाती है तो पराध्वनि कहलाती है। यदि मैक संख्या एक से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनि कहलाती है। यदि मैक संख्या पाँच से अधिक है तो पिंड की चाल अति पराध्वनि कहलाती है। यदि मैक संख्या पाँच से अधिक है तो पिंड की चाल अति पराध्वनि कहलाती है। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है तो विमान में किया जाता है। मैक संख्या का उपयोग विमान में चाल निर्धारण में किया जाता है। डेसिबल इकाई है तो ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। श्रेणी अनुनाद होने पर पावर फैक्टर का मान हो जाता है तो एक हो जाता है। श्रेणी अनुनाद होने पर पावर फैक्टर का मान एक हो जाता है। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है तो 85 डेसिबल होती है। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब 85 डेसिबल होती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है तो लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। दीर्घ रेडियो तरंगों द्वारा पृथ्वी की सतह पर से परिवर्तित होती हैं तो आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगों पृथ्वी की आयन मंडल सतह से परिवर्तित होती हैं। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे काम आती हैं तो पराश्रव्य तरंगे काम आती हैं। सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगे काम आती हैं। ध्वनि की सुरीला होना निर्भर करता है तो ध्वनि का तारत्व पर निर्भर करता है। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे हैं तो दृश्य प्रकाश तरंगे हैं। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है तो 1/10 सेकंड तक रहता है।
जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित रहता है, तो आवृत्ति अपवर्तित रहता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति अपवर्तित रहता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक तरंग लाया जाता है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए। तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लेमडा में संबंध है, तो v बराबर n लेमडा है। तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लेमडा में संबंध है, तो v बराबर n लेमडा है। तरंग चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, तो वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में, याद रखिएगा, गैस में ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। पराध्वनि विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक उड़ते हैं। पराध्वनि विमान ध्वनि की चाल से अधिक उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? तो पराश्रव्य तरंग पैदा करते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में वह एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, तो मैक संख्या कहते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है तो 30 से 40 डेसिबल होती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के कारण होती है, याद रखिएगा, तारत्व के कारण होती है। ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, याद रखिएगा, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। कौन सी प्रक्रिया और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो ध्रुवण में घटित नहीं होती हैं। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है तो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है इको साउंडिंग का प्रयोग। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। गूंजहीन हॉल डेड हॉल का अनुसरण काल होता है तो 0 सेकंड होता है। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है तो सेबिन ने प्रतिपादन किया है। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम को कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है तो अनुनाद का उदाहरण है। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है व्यतिकरण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। चलिए दोस्तों, उष्मा हीट से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। उष्मा का एसआई मात्रक है तो जूल है। ताप का एसआई मात्रक है तो केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक
एक किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो 4.2 × 10^2 जूल होता है। याद रखिएगा 4.2 × 10^2 जूल होता है एक कैलोरी ऊष्मा का मान। ऊष्मा एक है तो ऊष्मा एक आंतरिक ऊर्जा है। ऊष्मा मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 37 °C या फिर 98.6 °F मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। कमरे का सामान्य ताप होता है तो 27 °C या फिर 80.6 °F होता है कमरे का सामान्य ताप। सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है तो पायरोमीटर से मापा जाता है सूर्य के ताप को। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। याद रखिएगा J/kg/gK होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है तो जूल पर किलोग्राम है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 37 °C होता है। सेल्सियस में माप की तापक्रम 300 K के बराबर है तो 27 °C के बराबर है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है तो 4 °C पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 °C बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है तो पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव पर निर्भर करती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी की व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी के विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 310 °C होता है। 310 होता है केल्विन मान में। वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए यंत्र होता है तो हाइग्रोमीटर होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापन के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी से पर कैसे पहुंचती है तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर। तापमापी के में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि गर्म होने पर अधिक फैलता है। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च चालकता होती है। पारा में वह तापक्रम जो फॉरेनहाइट व डिग्री सेंटीग्रेड दोनों पर समान होता है तो 40 °C डिग्री हाइट व फॉरेनहाइट दोनों में सेम होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 273 K होता है। पायरोमीटर से मापा जाता है तो 800 °C से ऊपर का ताप मापा जाता है। 800 °C से ऊपर का ताप मापा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वस्तु को गर्म करने के पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है तो उसके अणुओं के औसत गतिज का सूचक है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था तो डेवी ने पिघला दिया था। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है। ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो सीबेक के प्रभाव पर कार्य करती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है तो 500 °C के ऊपर नापा जा सकता है। दो अदृश्य धातुओं को द्वारा बनाया जाता है तो थर्मोकपल ताप युग्म बनाया जाता है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक का तथा हिमांक होता है तो 100 °C तथा 0 °C होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है तो 273 °C होता है। फॉरेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु के ताप 212 °F पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा तो 100 °C होगा। सेल्सियस पैमाने का 0 °C फॉरेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा तो 32 °C के बराबर होगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 °F होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा तो 37 °C होगा। फॉरेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है तो 212 °F होता है। किस बिंदु पर फॉरेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है तो 160 °F पर होता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है।
जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब में हवा का दबाव बढ़ जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। लोलक घड़ियों दो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जमी झील के आधा स्रोत में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतुओं में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन के द्वारा होता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण गर्म होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण में आवश्यक नहीं है। धातु की चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है इसलिए लगे होते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है तो ऊष्मीय विकिरण को मापता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। आण्विक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है तो संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण कुकर को गर्म कर देता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का क्योंकि सुबह के समय सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इस वजह से ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी वस्त्र अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किरचॉफ का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण नियम है तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है तो न्यूटन की शीतलन नियम है। याद रखिएगा, न्यूटन का शीतलन नियम है। निम्न तापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिक में होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिक में होता है। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो 196 डिग्री सेल्सियस पर निम्न तापी परीक्षण किया जाता है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं तो ऊर्ध्वपादन कहते हैं। किस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। अपद्रवों को मिलाने से गलनांक का प्रभाव घटता है। किस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है? तो कथनांक कहलाता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम में उबलने लगता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं तो वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं तो गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है तो त्रिक कहा जाता है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। पानी के त्रिगुणात्मक बिंदु ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन होता है।
चावल को पकाने में अधिक समय लगता है तो एवरेस्ट पर लगता है चावल को पकाने में अधिक समय। किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम रहता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है तो ऊर्ध्वपातन के कारण जल ठंडा रहता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ को का अवस्था परिवर्तित तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती कहलाती है तो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है तो 80 केल्विन पर ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है तो 536 केल्विन पर ग्राम होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है तो ऊर्जा संरक्षित होता है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मा संरक्षित होता ऊर्जा ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गतिकी के किस नियम से मिलती है तो प्रथम नियम से मिलती है। रुद्धोष्म परिवर्तन एडियाबेटिक चेंज में ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन आइसोथर्मल चेंज में ताप अपरिवर्तित रहती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है तो ताप संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। सूर्य की सतह का ताप होता है तो 6000 केल्विन होता है। सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। चलिए दोस्तों प्रकाश लाइट से बनने वाले सारे क्वेश्चंस देखते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है तो हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है यह सर्वप्रथम किसने बताया तो मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है तो ग्रोमाल्डी ने यह बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया तो आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है तो व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है तो ध्रुवण घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। प्रकाश के चिपकने पृष्ठ से टकराव वापस लौटने की घटना को कहते हैं तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया तो रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में होता है वायु में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का निर्वात में वेग है तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का निर्वात में वेग। प्रकाश का कांच में चाल है तो 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश का जल में वेग है तो 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश का तारपीन तेल में चाल है तो 2.04×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश का रॉक साल्ट में चाल है तो 1.96×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश का नायलॉन में चाल है तो 1.96×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नायलॉन और रॉक साल्ट में प्रकाश का चाल सेम है याद रखिएगा 1.96×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। चलिए दोस्तों विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देखते हैं। माध्यम है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। पानी में है दोस्तों 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में है 2.04×10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉक साल्ट और नाइलॉन में है 1.96×10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वर्ष की इकाई है तो दूरी है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है 3000 आर्मस्ट्रांग। तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी तो 1×10⁵ हर्ट्ज होगी। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है तो 1.28 सेकेंड लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। सूर्य से
सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है तो लगभग 8 मिनट 19 सेकंड है। याद रखिएगा, लगभग 8 मिनट 19 सेकंड है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है, जिसको कोरोना कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है तो 460 सेकंड का होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकंड का होता है। सूर्य ग्रहण जब होता है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा में आ जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। याद रखिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य जब आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण पानी से भरा किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपरिवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जाल बूंदों द्वारा परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जाल सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन होता है। मृग तृष्णा उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मेघ तृष्णा। प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है प्रकाशिक तंतु में। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। इंद्रधनुष कितने रंग के दिखाई देता है? तो 7 रंग में दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है तो धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में। पीछे के दृश्य को देखने के लिए मोटर चालक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है तो अवतल होता है। दांत के डॉक्टर का दर्पण अवतल दर्पण होता है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परवलयकार अवतल का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइट में। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाते हैं? तो अवतल दर्पण प्रयोग में लाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण प्रयुक्त होता है पेरिस्कोप बनाने में। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव आँख की रेटिना पर। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे उसको। जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है तो अनंत होती है। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है, वह अभिसारी लेंस होता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, वह अपसारी लेंस होता है। वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति का व्यवहार करता है वायु का बुलबुला। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अभी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है।
लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो शून्य डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की क्षमता। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है तो 7 रंगों के मेल से बना होता है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं तो तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह लाल होता है, याद रखिएगा, तो वह लाल होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक होता है वह बैंगनी होता है, तो बैंगनी वर्ण सबसे अधिक होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं तो लाल, हरा व नीला प्राथमिक रंग हैं। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है तो बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है प्रकाश के वर्ण क्रम में। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो लाल का सबसे अधिक होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे परावर्तित करता है। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा तो काले रंग का, या लाल वस्त्र काले रंग का दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर दिखाई देगा तो हरा रंग दिखाई देगा। या प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंग दैर्ध्य द्वारा किया जाता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा तो काला देगा। जब प्रकाश के लाल व हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है तो सफ़ेद रंग होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है तो फिल्म कार्य करता है। फोटोग्राफिक कैमरे का फिल्म आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है तो रेटिना पर बनती है। दृष्टि पटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है तो आयरिस के द्वारा होती है। नेत्रदान में नेत्रदाता आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है तो कॉर्निया को किया जाता है, याद रखिएगा, कॉर्निया को किया जाता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं तो रेटिना में परिवर्तित होती हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है तो निकट दृष्टि का दोष है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि को कौन सा दोष होगा तो दूर दृष्टि का रोग होगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है तो किसी लेंस से नहीं दूर किया जा सकता वर्णांधता को। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है तो बायोफोकल लेंस प्रयुक्त होता है। अबिंदुता के कारण उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है तो बेलनाकार लेंस प्रयुक्त होता है अबिंदुता के उपचार के लिए। मायोपिया से तात्पर्य है तो निकट दृष्टि दोष से तात्पर्य है मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है तो दूर दृष्टि से है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ। दूरबीन टेलीस्कोप क्या है तो दूर की वस्तु देखने का यंत्र है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है तो आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है तो प्रदीप्ति से संबंधित है। दूरबीन का आविष्कारक कौन था तो गैलीलियो थे दूरबीन के आविष्कारक। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तारे किस कारण टिमटिमाते नजर आते हैं तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। एसआई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है तो डायोप्टर होती है लेंस की इकाई एसआई मात्रक में। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण की त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से समृद्ध से समृद्धि कहलाती है तो होलोग्राफी कहलाती है। ट्यूबलाइट की विकिरण प्रदीप्ति दक्षता है तो 60 ल्यूमेंस पर वाट है। 60 ल्यूमेंस बटे वाट है ट्यूबलाइट की विकिरण प्रदीप्ति दक्षता। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास है तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रम है।
तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत की रूप में प्रवाहित होता है तो प्रकाश तरंग में प्रवाहित होता है। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। फोटोन किसकी मूलभांति इकाई है तो प्रकाश की मूलभांति इकाई है। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में सी द्योतक है तो प्रकाश वेग का है सी द्योतक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था तो नोल एवं रूस्का ने किया था। धूप के चश्मे का पावर होता है तो शून्य डायोप्टर होता है धूप के चश्मे का पावर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं तो बराबर होते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 एवं M2 हैं तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी तो M1 M2 होगी, M1 × M2 होगी। चलिए दोस्तों विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। एक स्थिर विद्युत आवेश किससे उत्पन्न करता है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आवेश वितरण में होता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, आवेश वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने के संचायकों की धारिता घटती है, याद रखिए कि संचायकों की धारिता घटती है। अनेक छोटे संचायकों को मिलाकर किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके तो समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सकती है। आविष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है तो शून्य होती है। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने में उनके बीच का बल हो जाता है तो चौथाई हो जाता है। एक कूलम्ब आवेश में होता है तो 6.25 × 10⁻¹⁸ न्यूट्रॉन होता है एक कूलम्ब आवेश में। धारिता का मात्रक है तो फैराड है, याद रखिएगा धारिता का मात्रक फैराड है। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्र की जाती है, संधारित्र वह युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्र की जाती है। धारिता का मान मापा जाता है तो शेयरिंग सेतु से मापा जाता है धारिता का मान। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। समान आवेशों में होता है तो प्रतिकर्षण होता है समान आवेशों में। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ धनावेशित हो जाती है। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ धनावेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आपस में जुड़ी आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे समान विभव पर होते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो यह नियम कूलाम का नियम होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अति चालक का लक्षण होता है तो उच्च पारगाम्यता होता है, अति चालक का लक्षण अब उच्च पारगाम्यता होता है। किरचॉफ का नियम लागू होता है तो एसी और डीसी दोनों में किरचॉफ का नियम लागू होता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है एक कार बैटरी में प्रयुक्त अम्ल। फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत है। जलने पर 1 kW बिजली खर्च होता है तो 100 W का बल्ब 10 घंटे तक जले तब 1 kW बिजली खर्च होती है। लेक लांशे सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, याद रखिएगा लेक लांशे सेल में विध्रुवक के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो वोल्टता बदलने के लिए कार्य करता है एक ट्रांसफार्मर। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो ओम मीटर है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। एम्पियर घंटा इकाई है तो आवेश की मात्रा की है एम्पियर घंटा इकाई। धारा की इकाई होती है तो एम्पियर होती है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था।
किसके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? तो ओस्टेड के द्वारा किया गया था, ओस्टेड के द्वारा किया गया था। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो एनोड की छड़ कार्य करती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए किया जाता है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तन करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है, तो 200 से 250 वोल्ट है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है, तो विद्युत मोटर कहलाता है। आमी मीटर से क्या तात्पर्य है? तो विद्युत धारा है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा संरक्षण नियम का परिणाम है। वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते कहलाते हैं, तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। वे तत्व जो बिजली प्रवाह अपने द्वारा प्रवाहित होने नहीं देते क्या कहलाते हैं? तो कुचालक कहलाते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो वोल्टमीटर कहते हैं। बिजली के मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे अल्बेयर्ड ने किया था। जे अल्बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तित करता है? तो विभवांतर को परिवर्तित करता है। घरों में आने वाले विद्युत की आवृत्ति कितने हर्ज़ होती है? तो 50 हर्ज़ होती है। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यता होता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एक सेल की शुद्ध EMF मापन का प्रमुख उपकरण है, तो पोटेंशियोमीटर है, याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर है। चलिए दोस्तों, विभिन्न सेलों के विद्युत वाहक बल देख लेते हैं। सेल है फिर विद्युत वाहक है। वोल्टीय सेल 1.08 वोल्ट का होता है। डेनियल सेल 1.08 वोल्ट का है। शुष्क सेल 1.50 वोल्ट का है। सीसा संचायक सेल 2.00 वोल्ट का है। 6 सेल वाली कार बैटरी 12 वोल्ट का है, याद रखिएगा, 6 सेल वाली बैटरी 12 वोल्ट की होती है। 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो 3.6 × 10³ जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10³ जूल होता है। 1 किलो वाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। किलो वाट घंटा की इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा है। किलो वाट घंटा की इकाई विद्युत ऊर्जा है। अमीटर को जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। डीसी जनरेटर में प्रवर्तक आर्मेचर में लगाए जाते हैं, तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। डीसी जनरेटर में प्रवर्तक आर्मेचर में लगाए जाते हैं समांतर क्रम में। दिष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। डीसी मोटर की अधिकतम दक्षता होती है, तो EB = V/2 होती है। डीसी मोटर की अधिकतम दक्षता होती है, तो EB = V/2 होती है। आदर्श अमीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है, तो 0 होता है। किसी स्थिति में ऊर्जा व्यय सबसे अधिक होगा जब प्रतिरोध जुड़े होंगे समांतर क्रम में। मोटर जनित सेट की दक्षता होती है, तो 75% होती है। जल विद्युत संयंत्रों में और तापीय संयंत्रों में प्रत्यावर्तकों के ध्रुवों की संख्या होती है, तो तापीय संयंत्रों में ध्रुव ज़्यादा होते हैं। फीडर से सीधे तार होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स में होते हैं। फीडर से सीधे तार डिस्ट्रीब्यूटर्स में आते हैं। कोरोना प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो संचरण लाइनों में कोरोना प्रभाव प्रदर्शित होता है। इंडक्शन वाटमीटर उपयोग किया जाता है, तो एसी में उपयोग किया जाता है। क्रोड का पटलित किया जाता है, तो भंवर धाराओं और वोल्टता हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। आदर्श धारा स्रोत में प्रतिरोध होता है, तो अनंत होता है। विद्युत सुरक्षा फ्यूज तार बना होता है, तो शीशे और टिन की मिश्र धातु से बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। कौन निम्न वोल्टेज सप्लाई को उच्च वोल्टेज सप्लाई में बदल देता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बदल देता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो अनंत हो जाता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, तो उस पदार्थ को कहते हैं, तो अतिचालक कहते हैं। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूब लाइट पर अंकित होता है, तो 6500 केल्विन अंकित होता है। प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन भरी जाती है। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है, तो चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। विद्युत के सुचालकों की विशिष्ट प्रतिरोधों की का परास है, तो 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर से 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर तक है।
विद्युत के सुचालकों की विशिष्ट प्रतिरोधों का परास है तो 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर से 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर है। जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है तो आवेश का बहाव नहीं होता, यदि विभव बराबर हो तो आवेश का बहाव नहीं होता है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित की होती हैं तो समानांतर में होती हैं। विद्युत धारा उत्पादित की जाती है तो डायनमो द्वारा उत्पादित की जाती है विद्युत धारा। घरेलू वायरिंग में स्विच का हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है तो लाइन वायर में स्थापित किया जाता है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है तो आधार सिरे से जोड़ा जाता है। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा गति का विरोध करती है। MCB जो लघु पथन शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है तो धारा के तापन प्रभाव कर काम करता है। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम प्रयोज्य हैं तो जनित्र पर प्रयोज्य हैं। डायनमो के अमेरचर बना होता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है डायनमो का अमेरचर। मुक्त आकाश में परावैद्युतांक का मान होता है तो 8.854×10⁻¹২ होता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर दक्षता होगी तो 0 होगी। विद्युत परिपथों को अतितापन से कैसे बचाया जा सकता है तो ताप विद्युत युग्म से बचाया जा सकता है। विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है तो मल्टीमीटर है। 1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। विद्युत आवेशों के बल बीच बल के लिए कूलम का नियम किसके समान होता है तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है। यदि एक तार की लंबाई एक अनुप्रस्थ काट 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुणा हो जाएगा। मैगर एक यंत्र है जो अति निम्न प्रतिरोध को नापने में प्रयोग किया जाता है। अमीटर वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। प्रेरक तो प्रत्यावर्ती धारा ग्रवाह को प्रभावित करता है तो परिपथ बनते एवं टूटते समय। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं तो समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है तो रेगुलेटर है। आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है तो अनंत होता है। किसी फ्यूज की फ्यूजक धारा किसके समानुपाती होता है तो फ्यूज तार का व्यास की पावर 3 होता है। वैद्युत ऊर्जा का सूत्र है तो शक्ति गुणे समय है। चालकों में किसके गतिशील होने से विद्युत प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने से विद्युत प्रवाह होता है। विद्युत चालकता का इकाई है तो मोह है, याद रखिएगा मोह है विद्युत चालकता का इकाई। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जा सकती है तो किलोवाट में। जब एमीटर को संतित करते हैं तो इसकी दक्षता घटती है। बल्ब में टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट के रूप में होता है तो टंगस्टन एक धातु होती है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि होती है तो 10⁶ ओम होती है, याद रखिएगा 10⁶ ओम होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है तो केवीए में व्यक्त किया जाता है। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्त्री में अभ्रक का उपयोग होता है तो अभ्रक विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। अभ्रक बैटरी में कौन सी विद्युत धारा होती है तो डीसी होती है बैटरी में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है तो एक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा को समानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम है। ओम का नियम किस का क्या परिभाषित करता है तो धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। शुष्क सेल हैं तो प्राथमिक सेल शुष्क सेल हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनिया क्लोराइड होता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के बनाए जाते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है तो सौर ऊर्जा है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सूर्य ऊर्जा है। चलिए दोस्तों, चुंबक तो मैग्नेटिज्म से सारे क्वेश्चंस देखते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात से बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है तो दोनों किनारों पर होती है। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाए जाते हैं क्योंकि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक धारण क्षमता के कारण होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है तो मध्य में होती है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है तो प्रतिकर्षण होता है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है तो आकर्षण होता है।
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो गॉस होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है तो वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है तो 10^18 से 10^21 होती है। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है तो फेरोमैग्नेटिक होता है। स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह फेरोमैग्नेटिक होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण स्टील को चुंबकीय करना कठिन है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच की कोण को कहते हैं तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं तो नमन कोण कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है तो पीट कर व गर्म कर किया जा सकता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, तो परिणामी ध्रुव कहलाता है तीसरा ध्रुव। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है तो 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है तो उसका पारगाम्यता होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है तो डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए कौन सा पदार्थ अधिक उपयुक्त होता है तो नर्म लोहा अधिक उपयुक्त होता है। एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है तो परिनालिका कहलाती है। लोहा का क्यूरी ताप होता है तो 780 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है तो दक्षिण में होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है तो 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है तो कांच का प्रयोग किया जाता है। चुंबक वाहक बल में बल की इकाई है तो एम्पियर फेरो है। चुंबक वाहक बल की इकाई एम्पियर फेरो है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है तो सौर सेल है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया तो ओरस्टेड ने किया था। ट्रांसफार्मर और जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए दोस्तों, आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक का आकार होता है तो 10^-10 मीटर होता है। 10^-10 मीटर नाभिक का आकार होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो जे.जे. थॉम्सन ने 1897 ईस्वी में की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टोन ने की थी 1886 में। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने 1932 में। इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलम्ब होता है तो 1.6×10^-19 होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10^-19 होता है। प्रोटॉन का आवेश होता है तो 1.6×10^-19 होता है प्रोटॉन का आवेश। न्यूट्रॉन का आवेश होता है तो 0 होता है न्यूट्रॉन का आवेश। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी तो एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है तो 1 होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में संख्या है तो प्रोटॉन की है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है इलेक्ट्रॉन। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व का परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं तो समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं तो पोलोनियम में होते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं तो पोलोनियम में होते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है तो समस्थानिक कहलाती है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम आधारित हैं तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम।
हाइड्रोजन बम आधारित हैं तो नाभिकीय संलयन पर आधारित हैं हाइड्रोजन बम। किसने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो फर्मी ने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है तो के आर विधि से नापी जाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऋणात्मक आवेश होती है तो बीटा कण में होती है, ऋणात्मक आवेश बीटा कण में होती है। अल्फा कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं तो इसका द्रव्यमान बराबर होता है हीलियम के एक परमाणुओं के बराबर होता है। कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम या बोरोन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो विखंडन अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। क्यूरी इकाई है तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयुक्त किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर है तो भारी पानी का तालाब है परमाणु रिएक्टर। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। निम्न तापी इंजन क्रायोजोनिक इंजन के रूप के अनुप्रयोग किया जाता है, तो रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणें का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है कूलिज नालिका का प्रयोग। एक्स किरणें मानव शरीर के किस भाग में पार नहीं कर सकती, तो अस्थि को पार नहीं कर सकती। एक्स किरणें की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर की जा सकती है। 9 अविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है तो सिरेमिक ऑक्साइड का है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है, तो एक दिशा में बहती है। सिलिकॉन है तो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो जर्मेनियम होती है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तब तो बन जाता है, तो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। लेजर बीम सदा होती है तो अपसारी बीम होती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशी खो कहलाती है तो लेजर कहलाती है। लेजर बीम का उपयोग किया जाता है तो गुर्दे की चिकित्सा में किया जाता है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है तो लेजर के द्वारा किया जाता है। रडार के आविष्कारक थे, तो टेलर एवं यंग थे रडार के आविष्कारक। रडार का उपयोग किया जाता है तो जहाजों वायुयानों को ढूंढना एवं मांग निर्देशक के लिए किया जाता है रडार का उपयोग। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। परमाणु बम का विकास किया था, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया, तो वर्न वॉन ब्रॉन ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, तो एमुएल कोटेन ने किया था हाइड्रोजन बम, एमुएल कोटेन ने बनाया था। ऑटो हॉर्न में अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर है, तो यूरेनियम विखंडन के आधार पर है। पहले तापयानिक बाल्व का आविष्कार किसने किया था, तो जे ए फ्लेमिंग ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था, टी एच मेमन ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, तो नोल और रूस्का ने किया था। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो बैबेज को माना जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो एक्सरे का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कौन सी किरणें का वेधन क्षमता अधिक है, तो गामा किरण के वेधन क्षमता अधिक है। यूरेनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो 146 है। निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, तो कैथोड से उत्पन्न होती है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलता है क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। चलिए वैज्ञानिक यंत्र उपकरण एवं उनके उपयोग देख लेते हैं। यंत्र हैं फिर उसके उपयोग हैं। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में किया जाता है। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ऑडियोफोन का उपयोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला यंत्र है। ऑडोमीटर का उपयोग वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के यंत्र है। अग्निशामक आग बुझाने वाला यंत्र है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध मापने में किया जाता है। ओंडोमीटर का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में किया जाता है।
अल्ट्रासोनोस्कोप मस्तिष्क की ट्यूमर तथा हृदय के दोषों को ज्ञात करने में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की शक्ति और गति मापने में किया जाता है। एवोमीटर का प्रयोग रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने का यंत्र है। एरोमीटर का प्रयोग वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने में किया जाता है। एक्यूमुलेटर का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने का यंत्र है। एपीआई स्कोप है दोस्तों, अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने वाला यंत्र है। एविंटोमीटर का प्रयोग सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय के दाब में होने वाले परिवर्तन मापने का यंत्र है। बोलोमीटर दोस्तों ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। बाइनोकुलर्स वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला उपकरण है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला उपकरण है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय की गति को मापने वाला यंत्र है। कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण है। कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर व्यास मापने का यंत्र है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने वाला यंत्र है। गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं का हल करने वाला यंत्र है कंप्यूटर। कपास बॉक्स है दोस्तों, किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने वाला यंत्र। क्रोमोग्राफ है दोस्तों, क्रोमोग्राफ हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन मापने वाला उपकरण है। कैलिडोस्कोप है दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार की रेखा गणितीय आकृतियों को देखने वाला उपकरण। डेंसिटी मीटर है घनत्व मापने का यंत्र। डायनेमोमीटर है इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति मापने का यंत्र, डायनेमोमीटर है। डिक्टाफोन है दोस्तों, अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र। डीप सर्किल है दोस्तों, नीति कोण को मापने वाला यंत्र। डायलिसिस मशीन है रक्त शोधन करने वाला यंत्र। डायलेटोमीटर है आयतन के परिवर्तन को मापने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोस्कोप है विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर है विभवांतर मापने वाला यंत्र। इलेक्ट्रिक मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने में काम आने वाला उपकरण। एंडोस्कोप है मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने वाला यंत्र। फेदोमीटर है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र। फोनोग्राफ है ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण। फोटोमीटर है दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण। फोटोग्राफिक कैमरा है किसी वस्तु का फोटो लेने वाला उपकरण। फोनोमीटर है प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात करने वाला यंत्र। ग्रेवोमीटर है पानी की सतह पर तेल उपस्थित का पता लगाने वाला यंत्र। ग्रोमोफोन है रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों का पुनः जागृत करके सुनने वाला। गायरोस्कोप है धूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र। गैल्वनोमीटर है विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र। हाइड्रोफोन है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर है हाइड्रोमीटर द्रवों के का अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र है। हाइग्रोस्कोप है वायुमंडलीय आर्द्रता में अपरिवर्तन दिखाने वाला यंत्र उपकरण है। लैक्टोमीटर है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। मेगाफोन है ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला यंत्र। माइक्रोफोन है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने वाला उपकरण। माइक्रोमीटर है मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण। मैनोमीटर है दोस्तों गैसों का दाब मापने का यंत्र। माइक्रोस्कोप है सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र। मैकमीटर है वायु की गति को ध्वनि की गति में पदों से मापने वाला यंत्र। पॉलीग्राफ है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पाइरोमीटर है उच्च ताप मापने वाला यंत्र। पेरिस्कोप है पेरिस्कोप दोस्तों पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला यंत्र जिसकी सहायता से डूबे वस्तु का पता लगाया जाता है। पोन्टिसियोमीटर है दोस्तों विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र। पोटोमीटर है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर को मापने वाला यंत्र। टैकोमीटर है वायुयान की गति मापने वाला यंत्र। टेलीस्कोप है दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाला यंत्र। भौतिकी संबंधित प्रमुख आविष्कार देख लेते हैं। गति विषयक नियम न्यूटन ने आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने किया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने किया था। शीतलन का नियम न्यूटन ने ही किया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। फोटोन आइंस्टीन ने। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने। दाब का नियम पास्कल ने दिया था। मेसर किरण गोर्डन गीगर एवं टाउन्स ने दिया था। विद्युत धारा का तापक्रिय प्रभाव जूल ने दिया था। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया था। विद्युत आकर्षण का नियम कूलॉम ने दिया था।
विद्युत ऊष्मा प्रभाव जूल ने दिया था, धारा विद्युत अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने दिया था, विद्युत बैटरी वोल्टा ने दिया था, विद्युत आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, विद्युतीय तरंगे हेनरिक हर्ज ने किया था, डायोड वॉल्व सर जे ए फ्लेमिंग ने दिया था, ट्रायोड वॉल्व लीडी फॉरेस्ट ने किया था, प्रेरक कुंडली रूम फॉर्क ने किया था, स्थिर विद्युत थेल्स ने किया था, रेडियो सक्रिय किरण का आविष्कार रदरफोर्ड ने किया था, प्रकाश का प्रवर्धन का नियम का आविष्कार स्टेनल ने किया था, प्रकाश के तरंग सिद्धांत हाइजीन्स ने किया था, प्रकाश का व्यतिकरण का आविष्कार थॉमस यंग ने किया था, प्रकाश का ध्रुवीकरण ब्रीवेस्टर ने किया था, प्रकाश की द्रवों में चाल का आविष्कार फोकॉल्ट ने किया था, प्रकाश तरंग का विवर्तन का आविष्कार ग्रोमाल्डी ने किया था, प्रकाश यंत्रों की नेत्रिका का आविष्कार रेम्सडन व हाइजीन ने किया था, प्रकाश ग्रहण करने का सिद्धांत का आविष्कार स्नेल ने किया था, प्रकाश की गति का आविष्कार फिजो ने किया था, लेजर किरण का आविष्कार TH मेमन ने किया था, परम विद्युत मापी प्रणाली का आविष्कार गॉस ने किया था, ताप का अविनाशिता का सिद्धांत का आविष्कार जूल ने किया था, किरचॉफ का नियम किरचॉफ ने दिया था, लॉगरिथम का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था, अतिचालकता का आविष्कार केमलिंग योन्स ने किया था, न्यूट्रॉनों का आविष्कार पाउली ने किया था, क्वांटम का प्रभाव कॉप्टन ने किया था, सेल्सियस पैमाना सेल्सियस ने किया था, फॉरेनहाइट पैमाना फॉरेनहाइट ने किया था, आधुनिक एक्सकिरण की नली का आविष्कार कुलिज ने किया था, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जूल ने किया था आविष्कार, नाभिकीय विखंडन का आविष्कार ऑटो हॉर्न व स्ट्रॉसमैन ने किया था, परमाणु का विखंडन का आविष्कार फर्मी ने किया था, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने किया था आविष्कार, एक्सरे किरण का आविष्कार विल्हेम रॉटन ने किया था, बेतार का तार का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपके फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चंस। आगे हम लोग फिजिक्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो दोस्तों यह है पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। याद रखिएगा, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे तब लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है। किसी पिंड को धरती पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाएगा तो उसका संवेग दुगना होगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड का वेग दो गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा चार गुना हो जाएगी। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर है। किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होगा। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल पूर्ववत बना रहेगा। निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो याद रखिएगा पारा सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा का। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, तो दोस्तों आवृत्त इंफ्रारेड की सबसे लंबी होती है। याद रखिएगा इंफ्रारेड की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। परमाणु की प्रभावी की त्रिज्या 10^-10 मीटर होती है। यूरेनियम 235 नाभिक यूरेनियम में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के बल संख्या 235 होती है। परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों गामा किरणें हैं। खगोलीय दूरी का मात्रक है दोस्तों प्रकाश वर्ष है खगोलीय दूरी का मात्रक। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय है, तो दोस्तों 4.2 वर्ष है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है, तो याद रखिएगा समुद्र में डूबे वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार है। याद रखिएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ग्रेफाइड का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ऑटो वाहन में द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। डॉक्टरों द्वारा रोगी के पेट के आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोपी प्रकाश के
एंडोस्कोपी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। एसी को डीसी में परावर्तन करने हेतु करने की युक्ति उपकरण को कहते हैं दिष्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं, याद रखिएगा रेक्टिफायर कहते हैं, याद रखिएगा दिष्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग होता है, तो प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग होता है दोस्तों एक समान होता है, याद रखिएगा एक समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है, तो याद रखिएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जोड़ा कण प्रतिकण है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन कण है और पॉजिट्रॉन प्रतिकण है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, याद रखिएगा डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, तो कोबाल्ट 60 से दोस्तों गामा किरण निकलती है, गामा किरण निकलती है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं दोस्तों न्यूटन, याद रखिएगा न्यूटन है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, याद रखिएगा शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का सामान्य त्वरण होता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है, तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। जी की इकाई है, जी की इकाई है, तो याद रखिएगा दोस्तों जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जी की इकाई है। आवेग माप है, तो आवेग माप है भार का, याद रखिएगा आवेग माप भार का है। बल का मात्रक है, तो दोस्तों बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक है। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन बराबर दोस्तों होता है 0.001 मिलीमीटर, याद रखिएगा 0.001 मिलीमीटर होता है एक माइक्रोन के बराबर। तापमान का एसआई मात्रक है, तो तापमान का एसआई मात्रक है दोस्तों केल्विन, याद रखिएगा केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, याद रखिएगा प्रत्यानयन बल कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों केपलर ने प्रतिपादित किया था। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है, याद रखिएगा रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का एक तिहाई कर दिया जाता है, तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो 1/9 हो जाएगी, याद रखिएगा कण की गतिज ऊर्जा 1/9 हो जाएगी। दोस्तों यह है दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा, याद रखिएगा दोलन काल कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तब लगने वाला समय होगा, यदि दूरी अपरिवर्तित रहे तो लगने वाला समय आधा होगा, याद रखिएगा आधा होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे तो। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, तो दोस्तों बल की परिभाषा मिलती है, याद रखिएगा बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व इनर्सिया की व्याख्या करता है, तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम इनर्सिया की व्याख्या करता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो दोस्तों बाल्टो मापी को जाना जाता है। वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है, तो वेंचुरी मीटर से दोस्तों मापा जाता है द्रव का प्रवाह, याद रखिएगा द्रव का प्रवाह मापा जाता है। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है, तो एंगस्ट्रॉन मापता है दोस्तों तरंग दैर्ध्य, याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य मापता है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, तो टैकोमीटर से दोस्तों मापा जाता है चाल, याद रखिएगा चाल मापा जाता है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है, याद रखिएगा। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका चंद्रमा पर भार 100 न्यूटन होगा, याद रखिएगा 100 न्यूटन होगा। न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है, तो न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है दोस्तों त्वरण का, याद रखिएगा त्वरण का मात्रक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो जी का मान होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, याद रखिएगा अत्यल्प है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक।
एक घूर्णनी फ्लाई हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा नापा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा नापा जाता है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो दोस्तों याद रखिएगा विद्युत जनित्र द्वारा परिवर्तित करती है। शुल्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो याद रखिएगा, वह रासायनिक ऊर्जा है। जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका संवेग दुगुना हो जाता है। एक किलोग्राम राशि का वजन हो जाएगा दोस्तों 9.8 न्यूटन, याद रखिएगा 9.8 न्यूटन। एक जूल के बराबर होता है दोस्तों 10 पर पावर 7 अर्ग के, याद रखिएगा 10 पर पावर 7 अर्ग के एक जूल बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, गति में नॉट का उपयोग किया जाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो दोस्तों नेफोस्कोप कहलाता है, याद रखिएगा नेफोस्कोप कहलाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, तो अल्टीमीटर से दोस्तों नापते हैं भूतल से ऊंचाई, याद रखिएगा भूतल से ऊंचाई नापते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, तो जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है, याद रखिएगा जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों रॉकेट संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, याद रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो गिरने के समय का वर्ग होता है, याद रखिएगा गिरने के समय का वर्ग होता है। भौतिक तुला कार्य करता है, तो भौतिक तुला दोस्तों कार्य करता है समानांतर बल के नियम पर भौतिक तुला कार्य करता है। जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो जूल दोस्तों ऊर्जा की इकाई है, याद रखिएगा जूल ऊर्जा की इकाई है। अश्वशक्ति किसका एकक है, तो अश्वशक्ति दोस्तों शक्ति का एकक है, याद रखिएगा शक्ति का एकक है अश्वशक्ति। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे, तो दोस्तों याद रखिएगा रोमर ने प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था। प्रकाश वर्ष इकाई होती है, तो दूरी की होती है, याद रखिएगा दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। एक बार बराबर होता है 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। एक बार बराबर SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई होती है, तो दोस्तों SI इकाई में लेंस की शक्ति होती है डायोप्टर, याद रखिएगा डायोप्टर होती है। एक पेंडुलम की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तथा इसके गोलक बॉब के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट दोगुना हो जाएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है दोस्तों आर्यभट्ट, याद रखिएगा आर्यभट्ट है। यदि भार का आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ MA हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा W अपॉन P हो जाएगा। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ के पलायन वेग का मान किलोमीटर सेकंड में लगभग कितना होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो दोस्तों उसका मध्य स्थिति पर अधिकतम होती है। एक चलती हुई कार एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो दोस्तों किलोवाट में दर्शाई जाती है। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है, तो याद रखिएगा दोस्तों अणुओं के मध्य ससंजक बल है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम का नतीजा है लेंज का नियम। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करें, तो याद रखिएगा दोस्तों 45 डिग्री कोण पर फेंकने पर वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी।
निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पास्कल नियम का सीधा प्रयोग है। यदि चंद्रमा में भस्म विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इनमें से कोई नहीं होगा, सुनाई ही नहीं देगी, याद रखिएगा। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत के रेल इंजनों की दक्षता सर्वाधिक होती है। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आण्विक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वॉट के आधार पर आता है घर के बिजली का बिल। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दुगुनी कर दी जाए तो विकृति दोस्तों दुगुनी हो जाएगी। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहाँ बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ही ठंडी भी होती है। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता, यह इसलिए कि दोस्तों शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है सूक्ष्म वस्तुओं देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है माइक्रोस्कोप का प्रयोग। बत्तिया भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कास्ट आयरन उत्पादित होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है? तो एल्यूमिना मिट्टी एवं जिप्सम है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा दोस्तों इकाई है ऊर्जा की, याद रखिएगा। एक डब्ल्यू एच बराबर होता है दोस्तों 3.6 × 10³ जूल होता है। 3.6 × 10³ जूल होता है। 1000 वाट बराबर होता है दोस्तों 1.341 अश्वशक्ति के 1000 वाट बराबर होता है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? m/0, l/0 और t/-1 होती है। एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर का मान। एक पार्सेल में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो याद रखिएगा, एक पार्सेल में दोस्तों होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर तीनों साथ आएंगे। एक म्यू मीटर बराबर दोस्तों होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, याद रखिएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है तो 2.8 किलोमीटर/मिनट होती है पृथ्वी के भ्रमण की गति। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, टॉर्क होता है। परम दाब है दोस्तों गेज दाब बराबर एक बार परम दाब के बराबर है। एक फेम्टो दोस्तों बराबर होता है 10⁻¹⁵ मीटर के। प्लांक नियतांक h की विमा समान है दोस्तों तो कोणीय संवेग के समान है। द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। पारा कांच को नहीं भिगोता, इसका कारण है दोस्तों इसका ससंजन है। पारे का ससंजन है जो कांच को नहीं भिगोता है। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह मच्छरों के लार्वा के सांस में बाधा डालता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्किमिडीज ने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं, क्योंकि झील की तली का पानी जमता नहीं है, इसलिए मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है दोस्तों कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है।
बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता निर्धारण की जाती है दोस्तों गलनांक बिंदु पर, याद रखिएगा, गलनांक बिंदु पर निर्धारण की जाती है ठोस की शुद्धता। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण बना रहता है, याद रखिएगा दोस्तों, चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त तीनों राइट आंसर हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो चालन, संवहन और विकिरण के कारण गर्म बना रहता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दोस्तों प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अध स्तर में जल का तापमान क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस होगा, याद रखिएगा। दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी करने पर संकुचित होती है। कार्बोरेटर किस इंजन में प्रयोग होता है? तो कार्बोरेटर दोस्तों प्रयोग होता है पेट्रोल इंजन में, याद रखिएगा, पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है कार्बोरेटर का। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ताप युग्म का प्रयोग किया जाता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, याद रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? याद रखिएगा दोस्तों 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नापा जा सकता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वास्तविक रूप से एक्स रे होते हैं दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 310 केल्विन होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है केल्विन स्केल में। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों कंडक्शन कहते हैं, याद रखिएगा, कंडक्शन कहते हैं। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो याद रखिएगा दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं आपके फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट भी। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।